अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बड़े मज़े में होंगे। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लाई हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, जो कि बड़ी मज़ेदार और बड़ी यम्मी सी और बड़ी क्रीमी सी बनती है। तो इसके लिए मैं जल्दी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, और इसमें चला जाएगा क्रीम। क्रीम मैंने ली है तकरीबन 250 ml, या आप 300 ml इसमें डाल सकते हो। ये मैंने लहसुन और 2 सब्ज़ मिर्च इसमें, सॉरी लहसुन नहीं, 1 प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, और उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्च डाल के उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून चला जाएगा, और इसमें ये ग्रीन चिली जाएगा, और इसमें जो स्पाइस है, स्पाइस में हम लेंगे इसमें वाइट पेपर लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून, और इसमें जो काली मिर्च है वो हम 1/2 टीस्पून लेंगे, और इसमें जो गर्म मसाला है वो भी 1/2 टीस्पून लेंगे, पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून लेंगे, और इसमें नारियल पिसा हुआ वो भी हम 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल सकते हैं, और इसमें हम लेंगे जो है पिसा हुआ वाइट ज़ीरा जो हम लेंगे वो भी 1 टेबल स्पून लेंगे। तो चलें, और इसमें ऑयल हम लेंगे तकरीबन जो है ना 2 से 3 कप, क्योंकि हमें चिकन को फ्राई करने के लिए भी ऑयल चाहिए होगा। तो चलें व्यूअर्स, जल्दी से हम जो है अपने वाइट चिकन कढ़ाई को रेडी करते हैं, और चलते हैं चूल्हे की तरफ। क्या है कि जो कढ़ाई है मैंने चूल्हे पे रख दिया, और हम मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, और अब हम कढ़ाई में जो ऑयल में तकरीबन इसमें 1 से 2 कप हम ऑयल के इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैं इसमें तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि हम इसमें से फिर ऑयल जो फ्राई करेंगे ना चिकन, तो उसके बाद हम इसमें से ऑयल अपना निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ फ्राइंग के लिए हमें चाहिए। थोड़ा सा ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर साथ ही इसमें डाल देंगे जो है नमक हम डालेंगे तकरीबन इसमें 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक का डाल देंगे। ये नमक डाल दिया इसमें, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन डाल के हम इसको अच्छा सा जो है फ्राई करेंगे। तो अब जो है इसमें मैं चिकन डाल देती हूँ, ऑयल गर्म हो गया, ये जब तक चिकन का कलर बदलता है उस वक्त तक मैं उसको फ्राई करती हूँ, तो मैं आगे आपको दिखाऊं। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारा जो चिकन है ना वो बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया, और अब मैं ऐसे करूँगी कि इसका ऑयल जो है ना वो मैं निकाल देती हूँ, और इतना इसमें ऑयल रखेंगे 2-3 चम्मच जिसमें हम अपना चिकन रेडी करेंगे। तो मैं जी व्यूअर्स, तो देखें मैंने इसमें से फ्राई करके सारा ऑयल निकाल लिया, और इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के रहने दिए हैं। अब इसके इस टाइम पर इसमें हम जो ये 2 से 2.5 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम डाल देंगे इसमें, को डाल के फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया था, तो अब मैं इसको फिर से तेज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं अदरक लहसुन को थोड़ा सा डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई करती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने इसमें आगे क्या करना है। ये देखिए बस, जो हमने अदरक लहसुन डाला था वो अच्छा सा जो है इसमें फ्राई हो गया, और अब इस टाइम पे मैं इसमें जो है ये प्याज और जो सब्ज़ मिर्च वाला पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको भी अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, तो मैंने ऑयल निकाल के रखा है ना, वो मैंने ये साइड पे रख लिया है, और इसको हम भून लेते हैं। अब ऑयल अगर आपको कम लगे तो आप उसमें से डाल सकते हो। ये देखें, अब हम अब ये जो प्याज और जो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है ये डाल के इसको भून लेते हैं अच्छा सा। तो मैं भून रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसके साथ क्या करना है। जो हमने पेस्ट डाली थी वो हो गया, और मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप जो है मैंने आधे से तकरीबन आप 1 कप तक इसमें पानी डाल सकते हो। और अब जो है मैं इसको मीडियम आंच पे मैं इसको बड़ा अच्छा सा जो है इसको मैं गला लूँगी, तेज़ आँच पर नहीं, हल्की दरमियानी आँच पर, ठीक है। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसमें आगे और क्या क्या डालना है। जी व्यूअर्स, तो देखें
उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक दिया था इसको। और अब जो है हमारा चिकन जो है ना बड़ा अच्छा सा जो वो रेडी हो गया होगा, गल गया होगा। अब इस टाइम पे मैं इसमें जो है हम अपने स्पाइस डालेंगे। स्पाइस में हम डालेंगे इसमें जो है सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। ये देखें 1 टेबल स्पून जो हमने धनिया पाउडर रखा था वो डाल दिया। और इसमें चला गया पिसा हुआ नारियल 1 से 1.5 टेबल स्पून। और इसमें चला जाएगा सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून। और इसमें चला जाएगा जो है पिसा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा। और इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे हम इसमें नमक डाल लेंगे, तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया। और इसको हम पका लेंगे अच्छा सा, इसको भूनेंगे सारे मसाले ताकि जो है ना अच्छे से पक जाएं। ये देखिए इसको हमें पकाना है, अपन हम जो है थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और मसालों का जो कच्चा पन है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम 5 से 6 मिनट में इसको भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसमें आगे और क्या डालना है। जी व्यूअर्स, तो देखिए हमारा जो चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई जो है वो तकरीबन देखें चिकन अच्छा सा जो है ना वो गल गए। और अब तकरीबन इसमें ये देखें जो है ना मैंने थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखी है और प्याज मैंने इसकी ग्रेवी के लिए ही, मुझे क्योंकि ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने इसके लिए ही प्याज इसमें डाला था। तो इस टाइम पे अब हम इसमें जो है ये मैं थोड़ा सा फ्लेम को हल्का कर देती और इसमें हम क्रीम को डाल देंगे। क्रीम जो कि 300 ml डाल सकते हैं या फिर 250 ml इसमें चली जाएगी। मैंने इसमें क्रीम डाल दी और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। जो है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल दूँगी, ये देखिए ये तकरीबन मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें कटी हुई डाल दी। और मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए और ढक दूँगी। जो है ना बारीक कटी हुई अदरक भी मैं डाल दूँगी, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसको ढक देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसके साथ कैसे करना है। ठीक है, हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हो गए और जो है मैं इसमें इस टाइम पे अब जो 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए थे लास्ट वाले वो हम डाल देते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी जो 1/2 टीस्पून है वो मैंने गरम मसाला डाल दिया और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च का डाल देंगे ये, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। इसको आपने मिक्स कर लेना है, और इसको मैं बस 2 मिनट के लिए मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं ढक देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी ज़बरदस्त सी वाइट चिकन वाइट कढ़ाई बनके बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गई है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और जम्मी सी ये कढ़ाई बनती है। इसके साथ ही व्यूअर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगी।